जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनोहरि। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सिद्धाम वृंदावन से, आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करते हैं, मंथली जो प्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं, उस प्रोडक्शन के अंदर आज की राशि है कन्या राशि। कन्या राशि ये राशि चक्र की छठवीं राशि होती है, 6 नंबर की। इसके स्वामी होते हैं बुध महाराज। बहुत अच्छी राशि है। इस राशि में शुक्र नीच के बनते हैं, 6 नंबर में। ये जो राशि है, जैसे बड़क बुद्धि होती है, वैश्य बुद्धि होती है, जैसे बनिया लोग होते हैं, लाला लोग, सेठ लोग, तो उनकी जो बुद्धि होती है, उस बुद्धि के हिसाब से ये राशि चलने वाली राशि। इसको हम पैसे को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ खींचें, कहीं पैसा इन्वेस्ट करके पैसे को अपनी तरफ कैसे ज़्यादा बनाएं, ये उस तरह के लोग होते हैं। इनको पैसे से बहुत प्यार होता है और इनके पास पैसा भी होता है, बहुत पैसा होता है इनके पास, पैसे से लगाव बहुत है। ये सोचते हैं कि अगर कहीं हमने 1 रुपया खर्च किया है तो वो कम से कम हमारे पास में 1.5 रुपया वापस आना चाहिए। इनकी जो सोच होती है इस तरह की होती है, बहुत अच्छे आदमी माने जाते हैं लोग। इनकी आज ग्रह स्थिति बात करते हैं। कन्या जो लगन या कन्या राशि है, वहाँ केतु महाराज विराजमान है, शनि महाराज छठे घर में है, राहु आपके सप्तम भाव में है, मीन राशि में, मंगल देवता आपके अष्टम भाव में है, स्वराशि में है, मेष राशि में, भाग्य के अंदर बैठे हैं आपके सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है आपके भाग्य के अंदर। भाग्य के जो मालिक हैं शुक्र बनते हैं, भाग्य के जो कारक हैं गुरु बनते हैं, या सूर्य भी जो भाग्य के ये पिता के कारक होते हैं। ये सब ग्रह जब इकट्ठे भाग्य में बैठे हैं, सूर्य पिता के कारक बन के भाग्य में बैठते हैं, और बुध और शुक्र गुरु, ये तीनों शुभ ग्रह हैं। अगर शुभ ग्रह का गोचर किसी के भाग्य में होता है तो इससे अच्छा गोचर कोई नहीं माना जा सकता, क्योंकि त्रिकोण होता है भाग्य का जो स्थान है, त्रिकोण कहा जाता है। और हमारी कुंडली में 3 त्रिकोण होते हैं, पहला होता है लगन त्रिकोण, दूसरा होता है पंचम भाव का त्रिकोण, तीसरा होता है नवम भाव का त्रिकोण। तो लगन के त्रिकोण से पंचम भाव का त्रिकोण ज़्यादा बली होता है, और पंचम भाव के त्रिकोण से जो भाग्य का भाव होता है, लग का भाव होता है, वो ज़्यादा बली होता है। तो ये जो भाव है, ये तीनों त्रिकोणों में सबसे ज़्यादा बली माना जाता है, क्योंकि ये भाग्य का भाव है। हमारे यहाँ कहा है कि भाग्यम फलती सर्वदा न च विद्या न च पुरुष, कि जब तक इंसान का भाग्य नहीं फलता है, तब तक ना उसकी बुद्धि, ना उसकी विद्या, ना उसकी मेहनत, कोई भी चीज़ काम नहीं आती। और जब भाग्य फलता है तो मिट्टी सोना बन जाती है, ये हमारे यहाँ कहा गया, आप सब परिचित भी इस बातों से। तो भाग्य में जिसके ऐसे बढ़िया प्रतापी ग्रह, सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह बैठे हों, क्योंकि लगन का मालिक बुध है आपके भाग्य में बैठा हुआ है, भाग्य का मालिक शुक्र है भाग्य में बैठा हुआ है, और भाग्य का कारक गुरु है, ये भी भाग्य में बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थान है भाग्य का, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमारी कुंडली में कहलाता है। चलिए शुरुआत करते हैं कि जून का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसे है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें, देखिए केतु बैठा है लगन के अंदर, तो केतु लगन में बैठता है, कन्या लगन में बैठा हुआ है केतु, तो कोई ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत तो आपको देता है। वैसे भी बुध आपके शुभ भाव में बैठा हुआ है, तो स्वास्थ्य संबंधी तो कन्या राशि वालों को कोई परेशानी आने नहीं। धन की स्थिति की बात करते हैं, देखिए धन का जो स्वामी है भाग्य में बैठा हुआ है भाग्येश बन के, और धन का जो कारक है गुरु वो भी भाग्य में बैठा हुआ है, और लग्नेश भी भाग्य में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार ये तीनों ग्रह भाग्य में बैठे हैं, तो धन के मामले में ये महीना कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है।
बात करेंगे पंचम भाव संतान की शिक्षा की। देखिए शिक्षा के मामले में शिक्षा का जो स्वामी ग्रह बनता है शनि, खुद छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है और छठे भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग बना है, क्योंकि छठे घर का स्वामी छठे में बैठा है तो विपरीत राजयोग बनाता है, बहुत ही अच्छा परिणाम दे रहे हो शिक्षा में। पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है, शिक्षा के भाव पे गुरु की भाग से नवी दृष्टि आ रही है और गुरु की दृष्टि में वो पावर होती है, गुरु की दृष्टि में पवित्र होती है, तो उस भाव को एकदम अमृत की तरह वर्षा करके सूख कर देती है। तो शिक्षा के मामले में तो कन्या राशि वालों का ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। जो छात्र या बच्चे पढ़ाई के लिए दूर दराज जाना चाहते हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, जा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी नहीं, दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सूर्य के साथ बैठा हुआ बृहस्पति की, तो वह जो कागजात आपने तैयार करने, जो डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने, सब आपके क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल बड़े आराम से आप बाहर पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमें घूमने फिरने के लिए जाना है, पिकनिक मनाने के लिए जाना है, टूरिस्ट ट्रिप पे जाना है, तो भी ये समय आपके लिए महीना बहुत अनुकूल है, आप जा सकते हैं। तो शनि की स्वयं की दृष्टि 12वें भाव पर और 12वें भाव को स्वामी आपका लग्न में बैठा हुआ है लग्नेश के साथ, तो आपको बाहर के जो टूर है वो कराएंगे। 5वां भाव लव रिलेशन का भी भाव होता है, प्यार मोहब्बत का भाव होता है। तो देखिए इसका जो स्वामी है 5वें भाव को छठे भाव में चढ़ा, तो प्यार मोहब्बत के लिए तो ये समय बढ़िया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तो आपस में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तुम हमें जरूर होगी। जो लव रिलेशन वाले कपल्स है उनके लिए थोड़ी दिक्कत वाला काम रहेगा, क्योंकि जो पंचम का स्वामी छठे भाव में चला जाता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर के हिसाब से भी थोड़ी आपस में ट्यूनिंग बढ़िया नहीं बन पाती। हालांकि शुक्र अच्छी पोजिशन में है, लग्नेश भी अच्छी पोजिशन में है, तो थोड़ा सा बृहस्पति का प्रभाव भी पंचम भाव पर आ रहा है, तो इस प्रकार से बुध शुक्र गुरु की जो युति है थोड़ा लव रिलेशन को टूटने देगी, आपका ब्रेकअप नहीं होगा और गाड़ी आपकी चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो वैचारिक मतभेद रहेगा। 7वां भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए राहु जैसा ग्रह है आपके 7वां भाव में बैठा है, राहु 7वां भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर आपका लग्नेश कमजोर है, लग्नेश की डिग्री कम है, तो कहीं ना कहीं ये आपको वैचारिक मतभेद देगा, थोड़ी दूरियां बनाता है, कई बार कंफ्यूज करता है आदमी, जो नहीं सोच पाता उसको यहाँ कंफ्यूजन दे देता है, तो इससे जो संबंध है वो बढ़िया नहीं बन पाते। 8वां भाव की बात करते हैं, मंगल अपने घर में शुक्र ही बैठा हुआ है, तो किसी प्रकार का भी आपको कोई भी मंगल से खतरा नहीं है, तो अपने घर में बैठा हुआ ग्रह कभी भी आपको चोट नहीं मारेगा, नुकसान नहीं करेगा, फिर भी क्रोध आपको अवश्य आ सकता है, तो उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य में बुध गुरु शुक्र सूर्य चार ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, ये बहुत ही उत्तम पोजिशन है यार। 1 जून से लेकर के 12 जून तक, 12 जून को शुक्र देवता यहाँ से गोचर करेंगे 10वें घर में, 12 जून को अपने घर को छोड़ के 10वें भाव में चले जाएंगे। जब ये 10वें भाव में जाएगा भाग्य का स्वामी, तो आपके कार्य क्षेत्र को विस्तार देगा, कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा। इसके साथ बुध का और सूर्य का गोचर भी 14 जून को, ये भी 10th हाउस यानी मिथुन राशि में हो जाएगा, तो यहाँ बुध स्वग्रही होगा, अपने घर का होगा, शुक्र भाग्य का मालिक होगा और जो सूर्य है वो होंगे द्वादश भाव के मालिक। तो ये तीनों ग्रह यहाँ जो त्रिग्रही योग बनाएंगे बहुत ही उत्तम है, विदेशों से आपको लाभ होगा, विदेशी जो आपके काम करने वाले मित्र हैं उनसे आपको लाभ होगा और आप स्वयं भी विदेश जा करके लाभ कमा सकते हैं। ये पोजिशन आपके लिए यहाँ बहुत ही शानदार आपके कैरियर में, आपकी नौकरी में रहने वाली है। जो जॉब करने वाले जातक हैं, जो जॉब लेस है बाय द वे, तो उनके लिए ये बढ़िया बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जो लगन का स्वामी बुध है स्वयं 10वें भाव में है और जॉब आपको फर्स्ट क्लास मिलेगी, बढ़िया जॉब मिलेगी इस महीने में, आप तैयारी करिए नौकरी के लिए। अगर आप नौकरी छोड़ के कोई दूसरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। ये 14 जून से लेकर के 30 जून तक का जो समय है 16 दिन का बहुत शानदार आपके लिए रहेगा। लाभ भाव का बात करें तो लाभ भाव का जो स्वामी है वो आपके लगन में बैठा हुआ है, राशि में बैठा हुआ है चंद्रमा, जब चंद्रमा राशि में बैठता है तभी आपको लाभ प्राप्त होता है, या केतु के साथ उसकी युति बनी हुई, तो चंद्रमा केतु आपस में मित्र नहीं है, तो चंद्रमा यहाँ केतु के प्रभाव में थोड़ा सा खुद को परेशानी में महसूस करेगा, लेकिन फिर भी आपको लाभ देगा, क्योंकि लाभ भाव का मालिक है चंद्रमा को। ये सदा सर, ये सर्जो, ये जो भाव होता है उसको उपचय भाव कहते हैं, इसका दोष नहीं लगता है दृष्टिदाय भाव का, तो चंद्रमा फ्री है,
तो थोड़ा फिर भी प्रेशर रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो आपको लाभ। तो ये छोटा सा विश्लेषण था एक आपका कन्या राशि का, आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें। जो नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें। कुछ उपाय आपको बता देते हैं। देखिए, जिस किसी का बुध बढ़िया ना हो, क्योंकि बुध लगन का मालिक है, अगर बुध की पोजिशन बढ़िया ना हो तो उसके लिए आपको हर बुधवार के दिन हरी चीज़ का दान करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, आपका बुध मजबूत होगा। और अगर आप बुध मंत्र का जाप करते हैं ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः, तो वो आपके लिए बहुत शुक्र है। तो ये महीना कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों के लिए ठीक ठाक रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, कोई परेशानी कोई दिक्कत खास इस महीने में कन्या राशि वालों को नहीं आने। राधे राधे।